केरल से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, केरल के एर्नाकुलम में धमाका हुआ है। धमाके में 50 लोग घायल हो चुके हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं केरल के एर्नाकुलम से, ये बड़ी खबर, जहां धमाका हुआ और इस धमाके में एक दो नहीं बल्कि 50 ऐसे लोग हैं जो कि घायल हो चुके हैं, कि मौत हो गई है। बम निरोधक दस्ता और FSL की टीम मौके पर मौजूद है। प्रियंका इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रियंका, डिटेल जानकारी। देखिए, बताया जा रहा है कि ये आज एक कन्वेंशन सेंटर था, वहां पर 5 से 10 सेकंड के अंदर 2 विस्फोट हुए हैं, जिसमें 20 से 25 लोगों के घायल होने की बात बताई जा रही है। एक की मौत की पुष्टि भी की जा रही है। हालांकि फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि ये किस तरीके का विस्फोट था, ये बम का विस्फोट था या किसी और चीज से हुआ है। लेकिन आज संडे होने की वजह से और ये वार्षिक सम्मेलन होने की वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ थी। अभी 20 से 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। FSL की टीम यहाँ पर पहुंच गई है और राहत और बचाव का काम लगातार चल रहा है। पुलिस ने फिलहाल पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है। ऐसे में फिलहाल राहत और बचाव के काम पर फोकस किया जा रहा है। लेकिन अब तक की जो जानकारी मिली है उसमें ये बताया जा रहा है कि 20 से 25 लोग घायल हैं और एक की मौत की पुष्टि भी फिलहाल कर दी गई है। जी ठीक है, फिलहाल शुक्रिया। तस्वीरें भी जो हम दिखा रहे हैं आपको, उसके जरिए ये पता चल पा रहा है कि ये बम धमाका ही है, क्योंकि पूरा जो सामान है वहाँ का वो बिखरा पड़ा है और एक शख्स की जान गई है। 50 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं इस घटना में।